ഷായി മാമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഷാഫ്ഖാനെ കാണാനായിട്ട് अरुण आ जाओ पंजाब से मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आपसे बात हुई थी ना, पंजाब से कुछ आने वाले हाजी साहब आपसे बात हुई थी। साई इमाम पंजाब आपको पहले दिन से ही दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह रोजाना अल्लाह का सफर खूब आसान फरमाए या रब العالمین। दो मिनट बैठे यार, कमाल പഞ്ചാബിലെ ഷായി ഇമാമാണ് ഷാഫ്ഖാനെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്। आपके द्वार से और ये अपना सब कंफ्यूज है, बहुत सारी बातों में भी इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, तो मेरा असल आने का मकसद ये है कि ग्रुप जो है आपका हमें पता हो ताकि वहाँ आगे कुछ लोग जो मिलना भी चाहते हैं तो वो भी परेशान ना हो, आपको भी कोई परेशानी ना हो, इस मकसद के लिए आज का सफ़र दो इसलिए हुआ। दुआ तो आपके लिए रोज़ कर रहे हैं, आप जिस सफ़र पर जा रहे हैं माशाल्लाह बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह खूब उसमें आपको आफियत और इज़्ज़त अदा करना है और आसानी करना है, पूरी उम्मत के लिए जाके दुआ कीजिए। तो यहाँ से आपका क्या रूट है पंजाब का, किधर से जाएंगे वो फिर पता होगा, तो हम लोग हमारी स्टेट में जो मुसलमान थे क्योंकि 2% ही मुसलमान पूरा ग्रुप पंजाब में ज़्यादा मुसलमान नहीं, लेकिन वो क्योंकि फिर परेशान होंगे, कुछ लोग समझते हैं बठिंडा से आएंगे, कुछ लोग समझते हैं अबोहर से आएंगे, तो अबोहर अबोहर यहाँ से अबोहर आपने उसको तय किया हुआ है रूट को पक्का कंफर्म किया हुआ है? कंफर्म किया हुआ है, मैंने कंफर्म किया है ना। एसपी हेड क्वार्टर सर मुझे बता रहे थे कि वो मलोट से ही आएंगे, वो जो भी आपने रूट बनाए हैं उसको मलोट ओके जी हाँ मुकर्रम सैफी साहब, हाँ मेरी परसों से बात हुई थी। हाजी साहब कौन है आप हैं? मैंने एक दिन फ़ोन किया था लेकिन वो 15-20 दिन पहले की बात, असल में हम लोग 10 तारीख को हमारे यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन है तो बहुत उधर बिजी टाइम ही नहीं था। बठिंडा रहेगा या वो रहेगा आप वही आपस में अस्सलाम वालेकुम जी, कट गया दोबारा। तो सफर अच्छा गुजर रहा है? मेरी भी माशाल्लाह। आइडिया कैसे जहन में आया? आइडिया नहीं है, मेरा ड्रीम था पहले से, इरादा किया था पहले ही। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी अभी पहुंच गए हैं ना गो, हाँ जी हाँ, तो क्योंकि मेरे कॉलेज का नहीं पता था टाइम नहीं मिलना सीगा, हूँ इन्हों तो रूट कन्फर्म कर लिया, कहें असं अबोहर वालों जाना। प्लीज एक मुक्तसर से कोटकपूरा फरीदकोट जीरा मक्कू तरन तारण अमृतसर अटारी वाघा, रूट तो बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्ट रूट है, इस पर आपको ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, यही सबसे अच्छा रूट है, बेस्ट
अगर आप इधर उधर जाएंगे जैसे मलेरकोटला तो वो थोड़ा 60-70 किलोमीटर और लंबा होगा। ये आउटर से सीधा सीधा रास्ता हाँ, ये यही कंफर्म किया गया है आपका यही वाला कन्फर्म है। इसको एक तो आप ऐसा कीजिए मुस्तकीम भाई का नंबर सेव कर लीजिए, तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है माउंट ध्यान जाऊँ मस्जिद पर, तो गवर्नमेंट से भी सारे ऑफिशियल से लोग ये बात करते हैं उठा के अपना नंबर सेव कर लो भाई। पंजाब साथ में ये भी साथ में केरला गुजरात राजस्थान उदयपुर बहुत अच्छी बात हो गई नहीं जरूरी नहीं अच्छी बात रेगुलरली आप जब शुरू किए थे चलना तो उसके ऊपर मैंने एक क्लिप रखा था, तो जब वीडियो क्लिप था तो जुमे की बयान का क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जायज़ है या नहीं जायज़, तो हमने उसमें कहा था कि जो लोग मस्जिद तक पैदल नहीं जाते तो वो ना पूछें जायज़ है या नहीं। तो फिर खासकर क्योंकि यूपी में जो पंजाब के साथ हरियाणा यूपी लगता है तो वहाँ जो करोड़ों मुसलमान हैं तो उस क्लिप के बाद उनको मतलब तसल्ली खुशी भी हुई अब बैकअप भी बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह। ये तो अच्छी बात है, ये स्प्रिट की बात है, इससे मुसलमान नहीं बन सकते। एक बार यूट्यूब में आपका वीडियो देखा है पंजाब में माशाल्लाह। आपको हर शहर के लोग आपसे रब्ता करते हैं जी, कल तो इतनी भीड़ थी। देखिए जो भीड़ है जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अलग बात है, ये थक जाते हैं या कई लोगों को लगता है कि इतने लोग आ गए, लेकिन वही लोगों का जज्बा है काबिल तारीफ है। 12 बजे तक कुछ नहीं चाहिए हर जगह। हमारी सिर्फ थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि 10th सितंबर को हमारे कॉलेज का फाउंडेशन है, मैं भी साथ में रहता हूं, साथ में रहते हैं, कॉलेज की वजह से 5-6 दिन गैर हाजिर है, फिर दोबारा अमृतसर के पास आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको हर जगह बस हम लोगों का यही है और कुछ नहीं है कि बस पुलिस साथ, पुलिस प्रोटेक्शन साथ में पूरा रहेगा। तो क्या है कि ये पब्लिक की हम सुबह डीजीपी से बात करके पूरी स्टेट का ही बना देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, जहाँ से चलना है ये जो प्रोग्राम इन्होंने दिया है वाघा बॉर्डर तक पूरा बना देंगे। एक बार आप ही का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर, अगर कोई भी रास्ते में किसी भी ऑफिसर ने आपसे कॉन्टैक्ट किया हम एक दफा ही सारा रूट इकट्ठा लगवा देंगे इंशाल्लाह। वो वहाँ के अधिकारी आपसे बात करते रहेंगे, रहा रहेगा आपका पुलिस पर्सन, पुलिस पर्सन तो एक आदमी से रहा रहेगा तो वो आपका चलता रहेगा। वो शबू रात को लाया, वो रात को डॉक्टर रात को लाया, वो केरला के मुसलमान जो जैकेट को खबर नहीं है केरला क्या से केरला में तो है मतलब इधर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया तो सिर्फ पंजाब में माशाल्लाह कोई आपस में यही अच्छी बात सब मिलके रहते हैं, यही अच्छी हालात भी ऐसे और गैर मुस्लिमों के साथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुक है, हिंदुओं के साथ सिख भाइयों के साथ बहुत अच्छे। पहले पंजाब respect all religions सिंगल है ना थोड़ा, तो हम लोग अभी नाइट में इसलिए चलते हैं कि डायरेक्ट 30-40 किलोमीटर, पहले हम लोग पिछले 20 किलोमीटर चलते थे मॉर्निंग आफ्टर फजर के बाद में हम स्टे करते थे, फिर हम लोग इवनिंग में 5 बजे फिर 18-19 किलोमीटर चलते थे। सारे आगे
इंशाल्लाह हम कल ही वो बाकी के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा फोन दे मेरे को आज അപ്പം പഞ്ചാബിലെ ഷായി മാമാണ് ഷിയാബ്ഖനെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലുധിയാന പഞ്ചാബ് മാനസം തേങ്ങും റുകുഴിലും പിന്നെ സുജൂതിയിലും മഞ്ഞാനെ കണ്ണീരാണെൻ്റെ നിസ്കാര പായയിലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി നടന്നു ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മാ